हेलो स्टूडेंट्स, अपने ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर में देखा था कंसेप्ट बिजनेस, जिसे हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। और मैंने बताया था आप सब लोगों को कि तीन टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम अपना एक कंसेप्ट कवर कर चुके हैं, दैट वाज बिजनेस। एंड आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोफेशन। तो क्या है प्रोफेशन, व्हाट इज प्रोफेशन, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया भी था प्रोफेशन के बारे में। तो प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसे कंडक्ट किया जा रहा है मनी अर्न करने के लिए। लेकिन मनी कैसे अर्न की जाएगी, स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक ट्रेनिंग को एक्वायर करके, स्पेसिफिक नॉलेज एंड ट्रेनिंग को गेन करके सोसाइटी को सर्विसेज दी जाएंगी जिससे कि मनी अर्न की जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, स्पेसिफिक नॉलेज को गेन किया, डिग्री ली, तब जाके कहीं वो डॉक्टर बना। और डॉक्टर क्या है, उसका प्रोफेशन है जिससे वो लोगों को सर्विसेज देकर पैसे कमाता है, मनी अर्न कर रहा है। इसी तरह से प्रोफेशन की और एग्जांपल्स हम लेते हैं, डॉक्टर्स हुए, प्रोफेसर्स हुए, लॉयर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स पीपल है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये सब प्रोफेशंस हैं जो स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करके मनी अर्न कर रहे हैं। तो बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं प्रोफेशन, व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर गेनिंग सम स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स, जिसे गेन किया जाता है, जिसे परफॉर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स को, यानी कि टैलेंट को गेन करने के बाद, विच आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और ये जो हमने नॉलेज और स्किल्स गेन की है, इसे हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रोफेशन के, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रोफेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर से एक बार प्रोफेशन का मतलब समझते हैं कि कोई एक पर्सन जब किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करने के बाद सर्विसेज दे रहा है लोगों को और मनी अर्न कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशन के होने के लिए, कि स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का, कोई एक पर्सन डॉक्टर का बना जो उसने पर्टिकुलर नॉलेज को गेन किया, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस उसने लिया, ट्रेनिंग ली, तब जाकर कहीं वो पर्सन डॉक्टर बना। क्या इससे पहले वो पर्सन एक डॉक्टर था, नहीं, उससे पहले यानी कि नॉलेज गेन करने से पहले वो पर्सन डॉक्टर नहीं था, एक ऑर्डिनरी पर्सन ही था। डॉक्टर कब बना, प्रोफेशन में एंटर कब किया, जब उसने स्पेसिफिक नॉलेज को गेन किया, एक्वायर किया। अब हम देखते हैं प्रोफेशन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि प्रोफेशन की विशेषताएं क्या है, किन किन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रोफेशन है कि नहीं है। तो चलते हैं हम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन की तरफ। फर्स्ट पॉइंट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। प्रोफेशन क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज और ट्रेनिंग को गेन करके, स्पेसिफिक टेक्निक को गेन करके जब कोई पर्सन काम कर रहा है तभी वो प्रोफेशनल बना। इससे पहले वो पर्सन प्रोफेशनल नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, या यूँ कह लें कि कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसने किसी स्पेसिफिक नॉलेज को गेन किया ही नहीं और वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या हम उसे प्रोफेशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। किसी ऑर्डिनरी पर्सन को क्या हम डॉक्टर की प्लेस पर लेकर आ सकते हैं, नहीं, कब तक नहीं लेकर आ सकते, जब तक वो पर्सन स्पेसिफिक नॉलेज को गेन नहीं कर लेता, स्पेसिफिक स्किल्स को, स्पेसिफिक टेक्निक्स को गेन नहीं कर लेता। नोट, प्रोफेशन इज नॉट अ वर्क ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन का काम नहीं है। अब कोई एक डॉक्टर क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी
अदर पर्सन को दे सकता है, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस पर्सन को डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हो उसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज ना हो। तो प्रोफेशन किसी ऑर्डिनरी पर्सन का काम नहीं है। गेनिंग स्पेसिफिक नॉलेज इज एसेंशियल। स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को गेन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है प्रोफेशन के होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मलाइज मैथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग। फॉर्मलाइज मैथड है ट्रेनिंग एक्वायर करने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए। अब कोई पर्सन डॉक्टर बन रहा है, कोई पर्सन लॉयर बन रहा है, तो ऐसे ही 4-5 दिन उसने अपनी स्टडीज़ को दी और उसके बाद क्या वो डॉक्टर बन गया, क्या उसके बाद वो लॉयर बन गया? नहीं। पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से उसे डिग्री मिलनी चाहिए, तब जाकर कहीं एक पर्सन डॉक्टर कहलाएगा, कहीं एक पर्सन प्रोफेसर कहलाएगा, कहीं एक पर्सन जाकर के तब टीचर कहलाएगा। तो इस तरह से नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज गेन फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन यानी कि उन्होंने बताया एक प्रॉपर वे होना चाहिए, जिस तरह से हमने इस नॉलेज गेन की है तब कहीं जाकर एक पर्सन प्रोफेशनल कहलाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के डिग्री ही नहीं है हमारे पास, तो क्या वो पर्सन डॉक्टर कहला सकता है, क्या वो पर्सन प्रोफेसर कहला सकता है? बिल्कुल नहीं। फॉर्मल मेथड्स होते हैं डिग्रीज गेन करने के, नॉलेज गेन करने के, तब कहीं जाकर एक पर्सन प्रोफेशनल बन पाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। किसी भी प्रोफेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उस प्रोफेशन से रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। अब क्या है ये रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन? एक एसोसिएशन है जो रिलेटिव प्रोफेशन को अप्रूव करेगी, रिलेटिव प्रोफेशनल को अप्रूव करेगी, सर्टिफाई करेगी। अब कोई भी डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई भी पर्सन लॉयर बनने जा रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर एसोसिएशन होनी चाहिए जो उस डॉक्टर को अप्रूव करे, जो उस डॉक्टर को सर्टिफाई करे, या फिर जो उस लॉयर को सर्टिफाई करे कि हाँ अब वो पर्सन डॉक्टर कहलाएगा, हाँ अब वो पर्सन लॉयर कहलाएगा। तो इस तरह से काफ़ी इन एसोसिएशंस हैं हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में एक एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि किसे अप्रूव करती है? लॉयर्स को। कोई एक पर्सन जब लॉयर बन रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अप्रूव्ड होना चाहिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसी तरह से एक और इंस्टीट्यूशन की हम बात कर लेते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई एक पर्सन अगर डॉक्टर बन रहा है तो कब वो पर्सन डॉक्टर माना जाएगा? जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस पर्सन को एज अ डॉक्टर अप्रूव करेगी, सर्टिफाई करेगी। इसी तरह से एक और प्रोफेशन की हम बात कर लेते हैं, सीए। बहुत सुना होगा आपने और आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है कि कॉमर्स स्ट्रीम में जब आ रहे हो तो सीए बन भी सकते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि कंपनीज के ऑडिटर होते हैं। तो अगर कोई पर्सन सीए बन रहा है तो उसके लिए पहले ज़रूरी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो पर्सन क्या हुआ होना चाहिए, सर्टिफाई हुआ होना चाहिए या फिर अप्रूव हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए उस प्रोफेशन से रिलेटेड, जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल को अप्रूव करेगी, सर्टिफाई करेगी कि येस दिस पर्सन इज नाउ अ प्रोफेशनल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? नॉर्मली समझते हैं कोड ऑफ कंडक्ट ये एक ऐसी टर्म है जो कॉमर्स में आप बहुत बार सुनने वाले हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें कि फॉलो करना होता है। तो प्रोफेशनल्स के लिए, अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमें बताते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो हर एक प्रोफेशनल, अब जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, सभी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, यानी कि सभी के लिए सिमिलर रूल्स बनाए गए हैं कि जब आप डॉक्टर बन गए हो तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है। जनरली जैसे बोला जाता है कि एक डॉक्टर को सबसे पहले सर्विसेज देनी, यानी कि पेशेंट को ट्रीट करना है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह लो कि उसका फर्ज है। तो एक तरह से ये कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल है एक डॉक्टर के लिए। अदरवाइज अगर कोई भी
प्रोफेशनल इन कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो हो सकता है कि जो अप्रूवल उस प्रोफेशनल को मिला है वो कैंसिल कर दिया जाए, वो रद्द कर दिया जाए। अब एक बात और अराइज हुई कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये कौन बनाता है, ये बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा। अब जैसे कि सभी लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा कौन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सभी डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सिमिलरली सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन कोड ऑफ कंडक्ट को इन प्रोफेशनल्स को फॉलो करना होता है। अगर ये प्रोफेशनल्स इन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लास्ट वन इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसीडरेशन। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना हर एक प्रोफेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हर एक प्रोफेशन का सोसाइटी को सर्विसेज देना। सोसाइटी को सर्विसेज देना मतलब, अब जैसे कि कोई भी डॉक्टर है वो सबसे पहले पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देगा, उसके बाद कहीं जाकर उसे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है उसके बारे में देखेगा। यहाँ पर भी बोला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है किसी प्रोफेशन का, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विसेज देना। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है मनी अर्न करना, तो मनी अर्न करना भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उससे पहले सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी को सर्विसेज देना हर एक प्रोफेशन का क्या रहता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो किसी भी एक्टिविटी में अगर इन सब फीचर्स को पाया जाए तो उस फीचर को हम क्या मानते हैं, प्रोफेशन मानते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट प्रोफेशन। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक नॉलेज को, स्पेसिफिक ट्रेनिंग को, स्पेसिफिक टेक्निक को, स्पेसिफिक स्किल्स को गेन करने के बाद, गेन करने से पहले नहीं, इन सब चीज़ों के बाद। नॉलेज गेन की है, टेक्निक गेन की है, ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस लिया है, इन सब के बाद अगर कोई पर्सन मनी अर्न करने के लिए सोसाइटी को सर्विसेज दे रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। और इसके फीचर्स देखे हमने कि स्पेसिफिक नॉलेज का होना जरूरी है, फॉर्मल मैथड होना चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, मतलब गेन करने के लिए। एक पॉइंट हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है, मतलब ये ऐसी एसोसिएशन है जो सभी प्रोफेशनल्स को अप्रूव करती हैं और हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। एक पॉइंट हमने देखा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करना होता है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट हर एक प्रोफेशनल के लिए एक जैसे होते हैं। और लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट हमने देखा था प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसीडरेशन। इकोनॉमिक कंसीडरेशन मतलब इकोनॉमिकली मनीटरी फॉर्म्स में हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, वो हमें साइड पे रख करके सबसे पहले सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तब जाकर हमारा कहीं जो एक्टिविटी है वो प्रोफेशन कहलाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट। हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा और प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, अब एक टॉपिक हमारा रहता है एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ हम इन तीनों के डिफरेंस को भी देखेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। इससे पहले आपको सिमिलैरिटी पता होनी चाहिए, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इनमें सिमिलैरिटी क्या है, कि ये तीनों एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब ये तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है मनी को अर्न करने के लिए। तो आई होप आपको ये प्रोफेशन का जो कंसेप्ट था समझ में आया होगा। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बिजनेस का लेक्चर अपलोड किया था, मतलब इससे पहले का लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने बिजनेस कंसेप्ट को समझा था, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को स्टडी कीजिए, उसके बाद आप प्रोफेशन का कंसेप्ट समझिए, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है हम कोशिश करेंगे कि एक या दो वीडियो लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू।